विधायक जी, मेरी बात सुनिए ना, कि हाउस के भीतर जो है इस तरह से नोटिफिकेशन हो, संविधान मानते ना आप? संविधान मानते कि नहीं मानते? सुनिए मेरा, संविधान मानते हैं? तो ऑर्डर मत दीजिए, मैं ऑर्डर कहाँ दे रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, संविधान मानते हैं? संविधान सबके लिए, देखिए हम लोग बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानते हैं, ना कि अमित शाह, ना कि मोदी जी का। और सुन लीजिए, संविधान की अगर ये लोग बात करते हैं तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में मंदिर क्यों बना, थाना में मंदिर क्यों बना, इस पर डिबेट क्यों होगा, क्यों बना रणधीर जी? देखिए, हम लोग इस नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग करते हैं। विधानसभा के भीतर किसी जाति धर्म के लोगों को इबादत का जगह नहीं है, और स्पीकर ने जो आज आदेश दिए हैं, समिति बनाई है, हम लोग उसको नहीं मानते हैं। एक लाइन में, एक शब्द में जो है, आप नोटिफिकेशन रद्द करो, नहीं तो हम लोग आने वाले समय में सरकार की जड़ और चूल हिला देंगे। सुनिए सुनिए, सेंट्रल में तो आपकी सरकार है, इरफान अंसारी ने कहा कि संविधान में जो है इस तरह का नहीं है, तो आप काहे मंदिर बनाए हुए हैं थाने में, मंदिर सरकारी कार्यालय में मंदिर? देखिए, थाने में मंदिर इसलिए बनाया कि सेंट्रल से कोई बहुसंख्यक हिंदुओं का देश है, ये हिंदू राष्ट्र है, बनेगा कैसे? हिंदू राष्ट्र है, धर्म निरपेक्ष है, हिंदू राष्ट्र नहीं है। पाकिस्तान कहीं धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बना कैसे रे? धर्म पाकिस्तान कहीं धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बना? अरे सेकुलर कहीं नहीं बना धर्म निरपेक्ष, सेकुलर है, सेकुलर है। भारत हिंदू राष्ट्र है, सेकुलर, 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 सेकुलर। कैसे सेकुलर? ओ सेकुलर। अरे आपका हिंदू राष्ट्र आपके कहने सेकुलर हो जाएगा क्या? आपके सेकुलर कहने का हम बोल रहे हैं, रहेगा मंदिर रहेगा, बट मस्जिद नहीं रहेगा। मंदिर रहेगा थाना में, ब्लॉक में रहेगा मंदिर, थाना में रहेगा, पुस्तक नहीं चला आ रहा है। सेकुलर है कि धर्म निरपेक्ष है ये बताइए? भारत हमारा हिंदू राष्ट्र है, कोई सेकुलर नहीं। आप सेकुलर के बात करते हैं, जब पाकिस्तान में पूछो, अफगानिस्तान में पूछो, बांग्लादेश में जाकर पूछिए, वहाँ हिंदुओं को इबादत करने के नहीं दिया जाता है, वहाँ मस्जिद मंदिर तोड़ा जाता है, वहाँ इज्जत लूटी जाती है। जब अलग हुआ देश तो सेकुलर था, उसमें क्यों नहीं बनाया सेकुलर, उसको पाकिस्तान को सेकुलर क्यों नहीं बनाया? संविधान को मानते हैं, गलत किया संविधान को मानते हैं, यही गलत किया संविधान को मानते कि नहीं? संविधान को बदलना है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। ठीक है साथियों, अभी आप देख रहे हैं कि भाजपा विधायक जो हिंदू राष्ट्र और संविधान को नहीं मानने वाले जो रणधीर सिंह जो विधायक है भाजपा के, उनका पुतला दहन आज झारखंड के राजधानी अलबटेका चौक में किया जाएगा अभी। और यहां पर आदिवासी छात्र संघ और समस्त मूल निवासी संगठन, मतलब एसटी एससी ओबीसी, ये तीनों कौम के द्वारा, कन्वर्टेड माइनॉरिटी के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। मतलब जो असली देश के जो असली मूल निवासी हैं, वो सारे लोग यहाँ पर मुस्लिम जो कन्वर्ट जो माइनॉरिटी भाई है, वो संविधान पकड़े नजर आ रहे हैं हमारे बीच। ये देखिए, आपको दिखाने चाहेंगे कि सबसे बड़ा आतंकवाद ब्राह्मणवाद रांची की राजधानी, झारखंड की राजधानी रांची में सबसे बड़ा आतंकवाद ब्राह्मणवाद, और एस टी एस सी ओबीसी हम भारत के मूल निवासी इस तरह से बिरसा मुंडा मर रहे हैं। इस तरह से आप तमाम लोग देख रहे हैं कि मूल निवासी के अबुआ दिशुम अबुआ राज, सभी लोग बैनर पोस्टर पकड़ के भाजपा विधायक जो रणधीर सिंह है, जो हिंदू राष्ट्र की संकल्पना करना चाहते हैं, उनको लेकर के यहाँ पर ये किया गया है, तो उसके विरोध में यहाँ आंदोलन हो रहा है। पूरा बैनर बांग करिए, बैनर को बैनर को बैनर बांग करिए, भारत देश हमारा।
कि भारत में जो भारतीय संविधान का जो राज है, जिस संविधान से वो विधायक बने और जिस संविधान से वो शपथ लेकर के आज विधायकी बने हैं, वही विधायक आज संविधान को बदलने का बात कर रहा है, आज हिंदू राष्ट्र बनाने की संकल्पना की बात कर रहा है। ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये एससी ओबीसी कन्वर्टेड माइनॉरिटी, यहाँ के असली जो मूल निवासी है उन लोगों का ये देश है, ये आर विदेशी का ये देश नहीं है, ये देश हमारे मूल निवासी यहाँ के जितने भी है एससी ओबीसी कन्वर्टेड माइनॉरिटी के लोग, उनका देश है। इसलिए ये जो प्रवादित बयान दिए हैं जो रणवीर सिंह, उनको हम आगाह करना चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द ये भारत देश को छोड़ दे। अगर इस देश आपको प्यारा नहीं है तो आप इस देश को छोड़ दें, आप जहां मध्य एशिया से आए हैं वो देश आप चले जाएं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम यहां के एसटीएससी ओबीसी कन्वर्टेड माइनॉरिटी एक साथ मिलकर गले मिलकर रहने वाले लोग हैं, सब मुस्लिम आदिवासी दलित सारे लोग मिलकर के यहां भारत देश में हम लोग एकता के सूत्र में भारतीय संविधान का पाठ करते हुए समता मूलक समाज का निर्माण करते हुए हम लोग एक राष्ट्र बना के एक अच्छा भाईचारा समता न्याय बंधुत्व के साथ रहना चाहते हैं। इसको तोड़ने का जो साजिश चल रहा है वो बिल्कुल हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हम लोग यहाँ पर पुतला दहन किए उनका, आगे आने वाला दिन में हम लोग रणवीर सिंह के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा पूरे देश स्तर पर करवाएंगे, पूरे राज्य में करवाएंगे, एक एक जन जन तक पहुँचाएंगे। और इन स्वर्ण जाति के जो विधायक है रणवीर सिंह, उनको खदेड़ के भगाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार करे, क्योंकि ये देश विरोधी है। परिचय, ये धर्म निरपेक्ष राज भी है। परिचय, परिचय, हमारा संजय माली नाम है, आदिवासी छात्र संघ से रांची विश्वविद्यालय समिति का अध्यक्ष। जय संविधान। सबसे पहले हम एक बात करना चाहते हैं, पूर्व आदिकाल से देखिएगा तो यहाँ कोई मुसलमान नहीं था, जो भी मुसलमान है वो कलवर्टेड मुसलमान है, आदिवासी ही से हम लोग हैं। हम लोग आप 5 पीढ़ी पीछे जाइए तो मंगला बुधवा मिलता है, हम लोग खतियान में यहाँ एक साजिश के तहत बढ़िया हम लोग का माल है, वहाड़ी पिछवाड़ी आदिवासी जो है अंसारी का है एक जगह तभी ना उसका जो एकता है उसको ये तोड़ना चाहते हैं, लेकिन इनकी नहीं चलेगी। हाजी अख्तर अंसारी